हाँ लिखो, सेव गर्ल पे पता लिखेंगे रिपोर्ट, यानी आपके दायरे में क्या बनाया गया है, सेव गर्ल एक टोपी, यानी मान लो कि फंक्शन के रूम में, कार्यक्रम के रूम में आयोजित किया गया है, टॉपिक हो गया आपका क्या, सेव गर्ल, नोट डाउन करें, वही क्या क्या लिखेंगे आप हिंदी के अंदर, तो पहले प्रतिवेदन नोट डाउन कर, प्रतिवेदन के नीचे सेव गर्ल क्या हो गया टॉपिक, टॉपिक का नाम क्या हो गया सेव गर्ल, नीचे क्या लिखोगे द्वारा, और क्या कोई भी एक नाम, और क्या रिपोर्टर, रिपोर्टर सबके बाद में रिपोर्टर को लगा करके आप किसी अखबार का नाम लिख जाए तो अखबार का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, बंद कर देंगे। और अब ये जो घटना है कहाँ हुई है, किस विद्यालय में हुई, तो विद्यालय के स्थान का क्या होगा, नाम भी होगा, तो आप अपने अपने विद्यालय के संदर्भ में लिख लें, अपने अपने विद्यालय का स्थान लिख लें, यानी सबका मोस्ट ऑफ का थाने वाली और क्या विराटनगर ही है, तो विराटनगर डैश, विराटनगर डैश क्या कोई भी दिनांक, दिनांक डाल दो, दिनांक ध्यान रखें कि ना तो मार्च में होनी चाहिए, मार्च में नहीं होनी चाहिए, दिसंबर में नहीं होनी चाहिए, और अप्रैल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्यों पता है क्यों, दिसंबर में एग्जाम होते हैं, मार्च और अप्रैल में क्या होते हैं एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम के टाइम में कभी क्या नहीं होती, कोई इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, डालिए कोई दिनांक लिखिएगा, आगे लिखो पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय ने, हमारे विद्यालय ने लड़की बचाओ को क्या करेना, इस प्रकार से आपको करेना को बंद करेना, करेंगे हमारे विद्यालय ने पिछले सप्ताह लड़की बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया, कार्यक्रम का आयोजन किया, यह कार्यक्रम विद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया, यह कार्यक्रम विद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया, कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 9 बजे हुआ, कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 9 बजे हुआ, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देखो लड़की बचाओ है तो हम किसी मंत्री को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऐसे किसी व्यक्ति बुलाएंगे जो क्या करेगा, मैं हमारे को एक संदेश भेज देगा, कोई भाषण भेज देगा, ठीक है ना, तो कार्यक्रम का मुख्य अतिथि श्रीमान गौरव जी खंडेलवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर के प्राचार्य थे, यानी मुख्य अतिथि कौन हुए, जयपुर में एक विद्यालय राजकीय वरिष्ठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसकी प्राचार्य कौन है, मिस्टर श्रीमान गौरव खंडेलवाल, ठीक है, ठीक हो,
वे कार्यक्रम में सही समय पर पहुंचे विद्यालय की ओर से उनका स्वागत किया गया वहां अन्य और भी प्रतिष्ठित व्यक्ति विराजमान थे। जैसे कि डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा कोमा श्रीमान महेंद्र जी मीणा और अपने वो कौन है, क्या नाम से जी का, श्रीमान चंद्रशेखर सैनी जी, ज्योति स्कूल के निदेशक। यानी ये सभी क्या थे, वहां पर उपस्थित थे। ठीक है, श्रीमती उर्मिला जी योगी, ये प्रतिष्ठित महिला यहाँ पर जो गुणी है, समझदार है, और एक वो एक्स क्या है, टीचर रही है, वरना अपने चेयरमैन साहब तो ज्ञानियों में ज्ञानी महाज्ञानियों में से हैं, जिसको इतना अधिकार है बोलने का, वो खुल के बोलती है, दहाड़ दहाड़ करके बोलती है, और 5 साल बोलती रही है, समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन्होंने मन का काम किया है, पूरे ग्रांट कर को सुसज्जित कर दिया अपने कार्यों से, और इस बार उनको बिना मांगे वोट मिलने वाले हैं, तो आप ही जानते बिना मांगे मिलते हैं वोट, दूसरी बात ग्रांट नगर के जो महान जो क्या होते हैं वार्ड मेंबर चेयरमैन वगैरह होते हैं, उनको क्या होता है सेकेंड बार बिना मांगे वोट मिलते हैं, लोग घर जाकर के दरवाजा खटखटा के आते हैं वोट देने। ठीक है, ओके, जो भी है हो गया। देखिए आगे, कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने एक एक करके महिलाओं के महत्व पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। योगदान क्या दिया वहां, सब कौन ही बोलते हैं, वो अंदर कौन लेके आते खाने के होते हो, कुछ नहीं है ना, तो कोई भी जो कार्गो में रोड बन जाते हैं, वैसे बन जाते हैं, जहाँ कभी रोड नहीं थे ना वहाँ कार्गो में क्या बन जाते हैं, सीसी रोड बन जाते हैं, कभी
समाज के नाम से लोगों को बोलते हो, देखा होगा, देखा है ना, उसी व्यक्ति के पास आपको जाना कि श्रीमान जी छोटा सा काम है, अरे भाग जाए यहाँ से, मैंने लगे तेरे को हाँ जो भी है, मतलब अमिताभ बच्चन क्या है, बड़े बड़े हाँ जो भी है ठीक है, लिखवा भी श्रीमती उर्मिला जी ने, श्रीमती उर्मिला जी ने, अरे लिखो भी श्रीमती उर्मिला जी ने, श्रीमती उर्मिला जी ने विद्यालय में उपस्थित सभी लड़कियों को, विद्यालय में उपस्थित सभी लड़कियों को, विद्यालय में उपस्थित सभी लड़कियों को कठिन परिश्रम करने वे जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने किया है उर्मिला जी, ठीक है, उन्होंने कक्षा 10 व 12 में प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों को नगद राशि से सम्मानित किया। श्रीमान गौरव जी खंडेलवाल ने लड़कियों के महत्व पर बोलते हुए कहा कि जहां लड़कियां नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक लड़की ही परिवार को अनुशासित रखती है। एक लड़की ही परिवार को अनुशासित रखती है तथा माँ बाप की सेवा करती है। पैगाम बदलेंगे, सेवा करती है। इस कार्यक्रम से वहां उपस्थित विद्यार्थियों और नागरिक जनों ने जीवन में आगे कभी भी कन्या भ्रूण हत्या जीवन में आगे कभी भी कन्या भ्रूण हत्या बाल विवाह जैसे घटनाओं को
जैसे जैसी घटनाओं को मैं होने देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। तथा वहां उपस्थित सभी ने विद्यालय के प्राचार्य वे साथीगणों को धन्यवाद दिया। काफी खाए पीकर किए ना, पर देखो कितनी भी खाए पीकर किया आपकी रिपोर्ट समझ रही बात को कितनी बड़ी हो गई, पर अगर यदि हम देखें तो बोलो क्या आपके विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता है तो क्या ऐसे होता है? क्यों होता ऐसे होता है? अब मैंने यहाँ पर एक फ्रेंड को मिठाई क्यों नहीं बांटी, क्या मिठाई क्यों नहीं बांटी पता है? क्योंकि कार्यक्रम कुछ इस प्रकार का ही है कि कार्यक्रम क्या कहता है कि विद्यालय में पूरे दिन नहीं मनाया जाता, या तो रेस्ट के बाद या रेस्ट के पहले, क्योंकि यहाँ मिठाई बांटकर ये नहीं कर दिया जाता है। यहाँ क्या कहता है, जो प्रोग्राम हुआ प्रोग्राम की खत्म होने के बाद हो सकता है कि कई जो महान अपने आप को टीचर मानते हैं तो वो क्या करते हैं, नहीं दो क्लास तो होंगी होंगी बैठो तो चल गई, समझ लो ऐसा अक्सर होता रहता है। तो ये आपका इस प्रकार से, अब मेरे से बताओ कि जो रिपोर्ट हमें लिखी है क्या इस प्रकार की रिपोर्ट की बात में हमारे विद्यालय में चाहे क्या हो, मान लो कोई कॉम्पिटिशन जैसे मानो कि लिख दिया कि राइट ए रिपोर्ट ऑन जीके क्विज कंपटीशन, यानी आपके विद्यालय क्या करवाएंगे एक जीके के यानी जनरल सामान्य ज्ञान, बोलते तो सामान्य ज्ञान है पर पसीन छोड़ते हैं सामान्य ज्ञान में, सबके नौकरी लगने वाले भी पसीन छोड़ते हैं जो बेचारे लगे रहते हैं बस इसी में रात दिन पूरे बिठाने में कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन कहाँ से नहीं आएगा इसी में, बाकी सबको तैयार रहता है। तो जैसे मान लो साक्षरता दिवस, बाल दिवस, ठीक है ना, इस प्रकार के किसी प्रकार के कोई दिवस मनाए जाए, वन महोत्सव, और जैसे मान लो कि एनीवे कुछ भी इस प्रकार की घटना आपके विद्यालय में अगर आयोजित की जाती है तो आपके रास्ते उनको आसानी से इस प्रकार की भाषा में, देखो ये सब कुछ तभी ही हो पाएगा जब आप क्या करेंगे अभ्यास करेंगे, नहीं तो संभव नहीं, ये बात विशेष हो जाने की। तो आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ये तो हमारे विद्यालय संबंधी, अब हम क्या करते हैं पब्लिक जो सार्वजनिक जो होता है सार्वजनिक कार्य कैसे होते हैं, ठीक है लेकिन Write a report. Informing about. ये भी जो अपने कुलकनाथ मंदिर में जो लगा था चैलेंज मंदिर में आयु के आयु का ना आपको कहता था ना कैंप लगा था शिविर लगा था यानी काम नहीं राइट ए रिपोर्ट इनफॉर्मिंग अबाउट आई ऑपरेट आई चेकअप था आई जा आंखों की जांच जांच था या ऑपरेशन का था जांच का था तो आई चेकअप ई वाई आई चेक अप ठीक है, तो चेकअप कैसे में रहेगा आपका चेक और अप आई चेकअप आई चेकअप कैंप एट कुंतुनाथ लिखना नहीं लिखवाओगे एट कुंतुनाथ कुछ नहीं है देखो इस प्रकार बनाने का डालो कुंतुनाथ ये है ना नाम ये ना तो क्या के यू एन टी एच यू एन एन ए टी एच कुंतुनाथ टेम्पल
कुंतुनाथ टेम्पल। क्वेश्चन क्या होया, राइट ए रिपोर्ट इनफॉर्मिंग अबाउट आई चेकअप कैंप एट कुंतुनाथ टेम्पल इन विराट नगर, इन विराट नगर। तो धर्मपाल आगे क्वेश्चन लिखते हैं, देखो सपोजिंग ए सू, हाँ इसमें आगे लिखना नहीं, इसमें लिखना ना सपोजिंग ए सू डबल पी ओ एस आई एन जी, सपोजिंग यू आर आशा, सपोजिंग यू आर आशा रिपोर्टर ऑफ लोकल न्यूज पेपर। ठीक नहीं लिखी स्कीम थी, वही नोट डाउन करें आप, क्या पहले सब टाइटल वगैरह जो है वो लिखें। ओके क्या पहले करेगा आपने प्रतिवेदन सब लाइन छोड़ करके आई चेकअप कैंप की करेंगे, आंखों की जांच शिविर का इंटीग्रल जोड़ी कर चाहो आई चेकअप कैंप, हाँ नेत्र जांच लिख लो, आंख लिख लो, जो भी है चक्षु लिख लो, जो भी है सब तो सब ही है ना, पर ये एको कर रहे हो कई बार, ये कई बार क्या होता है कि जैसे बाप शब्द संस्कृत का एक शब्द है, तू सब संस्कृत का शब्द है, पर किसी को बेटा तेरा बाप आ रहे हो, तो पता क्या क्या लगता है, जैसे कोई गाली से दे रहा हूँ उसको, और अगर एजुकेटर कह दे तो फिर तो माँ बाप हो जाए, और वही बाप शब्द कब काम आता है, जब क्या हो रहा हो गुस्सा आ रहा हो, या फिर कोई काको बाप कह दे कि बाबा कह दे तो बाप आ रही था और बोल रहे हो, पर अगर पड़ोसी बराबर कह दे ना और वो पढ़ा लिखा तो फिर तो उसकी सारी बिना तेल साबुन के करने उतार देनी है, समझे ना कि कितना पढ़ा लिखा वगैरह कहते हुए समझा देना उसको। तो देखो आप आई चेकअप कैंप पर नीचे क्या लिख लेंगे, चाहे अभी इंग्लिश में लिख लो सीधे बाई क्या आशा, बाई आशा और कोमा लगा करके रिपोर्टर हो। अब यार लोकल न्यूज़पेपर से उनका आदमी क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ लोकल न्यूज़पेपर लिखने से आते हैं कि वहाँ आप लोकल न्यूज़पेपर लिखेंगे, वहाँ क्या करेंगे आपके क्षेत्र में जो न्यूज़पेपर आता है, जैसे दैनिक भास्कर आता होगा या राजधान पत्रिका आता होगा या फिर जो भी आते हैं आपके क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना, तो लिख लो चाहे दैनिक भास्कर लिख लो चाहे राजधान पत्रिका लिख लो, लिख लिया। अब आपको क्या करना आगे, कहाँ है ये कार्य कहाँ हुआ, विराट नगर लिखो आप, विराट नगर लिखो, ठीक है, और दिनांक आपको फिक्स करनी है कि ये कैंप कभी भी लगाए जा सकते हैं, समझो, तो लिखो आप, हाँ ये आपको पता होगा कितना ही लगा था, 24 नवंबर पर वो भी कौन जैसे लिपस्टिक वगैरह जो कुछ है देख लो उसको, देख रहे थे मतलब पूरे ऐसे देख रहे जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना हो, वो कहते हैं ना अब देखने वालों के आगे क्यों टूटे, तब दिखाने वाले को क्या कहें, दिखाने के लिए तैयार है, देखने वाले को देखना चाहिए बस, ठीक है, मतलब जो दिखाना चाह रहा है सामने वाला उसे देखना चाहिए भाई, कोई बालों को यहाँ वहाँ कर करके दिखाना चाहता है, कोई लिपस्टिक लगा करके, कोई क्रीम लगा करके, कोई ड्रेस कोड से, जो कोई जैसे दिखाना चाहता है उसको वैसे देख लो, ये बात है तो क्या ठीक हो करेगा विराट नगर 24 नवंबर, ठीक है ना, ठीक है। पिछले दिन अब ध्यान रखना एक बात, पिछले कुछ कह रहा हूँ मैं इसे लिखवा रहा हूँ, मैं आज लास्ट डे रिपोर्ट, कल मैं इसको चेक करूंगा दोनों रिपोर्टों को, क्योंकि कल आपके पास संडे है तो हमारे चेक हो जाएगी, और हमने हाँ
कहां कहां बुलाऊंगा, कौन बुलाना चाहोगे? देख लो अगर आओगे तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे हम। मना करे सर, मना करे कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मना करोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं तो वो आ रहा है कि खाया गया तो ठीक है, समझ रहे हो, प्लेट में सामान आ गया, खाया गया तो ठीक है, नहीं खाया तो मैं देंगे, मैं बिना घर वाले को निशन के बाद नहीं होता ऐसा कभी। अगर खाया जा रहा है ठीक है, खा रहा हूँ, और जब चल जाए नहीं खाया जा रहा तो क्या कहते हैं फिर, मैं घर वाले को भाग निकाल दूँ, समझ रहे हो। तो मेरा काम क्या है, आपको प्रत्येक टॉपिक से टच करवाना। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको 13, 10, 1, 5 का लिखा रिपोर्ट लिखवानी है, 10 फैक्ट और डिस्क्रिप्शन लिखवाने हैं, 10 ही क्या लिखवाने हैं, स्पीच लिखवाने हैं, 10 आर्टिकल लिखवाने हैं और 20-25 लेटर लिखवाने हैं, ये टारगेट नहीं है मेरे परसेंट की। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि टॉपिक होता क्या है और टॉपिक को एक्सप्लेन करने का वे क्या होता है, बस। यानी कहता है कि मैं आपको अपने पैरों पर करना चाहता हूँ, ना कि वैसा की सारे चलना उससे कर चाहता हूँ, मेरा टेबल टारगेट ये नहीं है, ठीक है भाई। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे, कोई नहीं, कल की छुट्टी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। पिछले दिन, पिछले दिन विराटनगर, पिछले दिन विराटनगर, विराटनगर कुंतुनाथ जैन मंदिर में, कुंतुनाथ जैन मंदिर में नेत्र जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर का, नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन, इस शिविर का आयोजन, इस शिविर का आयोजन जैन समुदाय के द्वारा, जैन समुदाय के द्वारा निःशुल्क किया गया था, निःशुल्क किया गया था, निःशुल्क किया गया था। इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में पिछले, इसके बारे में पिछले 15 दिन से, इसके बारे में पिछले 15 दिन से अनेक साधनों से, अनेक साधनों से, अनेक साधनों से लोगों को, अनेक साधनों से लोगों को सूचित किया जा रहा था, अनेक साधनों से लोगों को सूचित किया जा रहा था। अब सोच लो तुम तो 12th क्लास में आकर के यहाँ अभ्यास कर रहे हो, जो हमारे घर जवान है ना किसी, जो 10th क्लास में आ गए थे, इन्होंने पूरी साल ही तो वही अभ्यास पहले कर चुके हैं, पर अब कुछ बुढ़ा गए, कुछ बुढ़ा गए वो समझ गए मैं किन के बोल रहा हूँ, और कुछ भी जवान है तो वो भी रनिंग में है, अब बुढ़ा गए तो मैं समझ गए उन्होंने 10th क्लास खाई और पी एल मस्त रहे हैं और बस, और कुछ जो जवान है वो लड़ दिखा रहे हैं उनका जवानी का रंग भी है, तो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसके लिए कहना चाहता हूँ, क्यों भी जवान बुढ़ा गए हैं जवान है, हम भी 10th क्लास में थे ना, थे यानी, तो जवान जो है वो अभी रंग दिखा रहे हैं, तो पढ़ने वाला है जो कोई कहीं पढ़ सकता है। मैं कहना चाहता हूँ ये जब ऑनलाइन क्लास में डालता हूँ तो पर्सनली आपको पता है कि मेरी रिकॉर्ड हो रही है, तो वो स्टूडेंट व्हाट्सएप पर भी क्या करते हैं अपने मन से भी, अपने मन चाहे क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, कभी देख लेना अगर कभी मन में हो तो उनकी, वो कभी आपसे कैसे संपर्क रहते हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्या करते हैं बना करके व्हाट्सएप कर देते हैं, उसके बाद उनको चेक करके वो बताना होता है कि ये यहाँ गलती है और ये सही है, बाकी वो जो जो क्लास चल रही है अपनी वो तो हो ही जाती है उनकी, एडवांस क्लास में क्या करते हो आराम से दोनों महीने लिखती हैं अपने मन के अनुसार टॉपिक और डाल दिया सर बता देने। तो जैसा पढ़ने वाले का टारगेट हो चाहे कहीं भी हो, कहते हैं ना पढ़ने वाला हो तो चाहे फिर चिमनी हो चाहे ट्यूबलाइट हो, तो पढ़ने पढ़ना है तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। अब नोट डाउन कर जाएंगे क्या लिखा है हमने आपको, सूचित किया जा रहा था।
आगे लिखे एसी सिविल में, एसी सिविल में, एसी सिविल में सरकारी सरकारी चिकित्सालय एसएमएस को हम क्या बोलेंगे, एसएमएस सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह चिकित्सालय ना, सवाई मानसिंह अस्पताल ये बोलते हैं ना, ये बोलेंगे क्या लिखवाया मैं आपको, इसी शिविर में सरकारी चिकित्सालय के, चलो को सरकारी चिकित्सालय के पांच पांच नेत्र विशेषज्ञ, पांच नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ उपस्थित थे, नेत्र विशेषज्ञ उपस्थित थे वहां, पंद्रह वहां पंद्रह या पंद्रह जो बोलते हैं आप फिफ्टीन बोल लो जो भी है अच्छा लगे ध्यान से, वहां पंद्रह स्वयं सेवक उपस्थित थे, स्वयं सेवक उपस्थित थे, शिविर में सौ मरीज, शिविर में सौ मरीज उपस्थित हुए, शिविर में सौ मरीज उपस्थित हुए, सौ में से 40 मरीज सामान्य थे, सौ में से 40 मरीज सामान्य थे तथा 20 मरीजों की आंखों की रोशनी बिल्कुल कमजोर थी, इन 20 मरीजों को ऑपरेशन के लिए दिल्ली भेजा गया तथा सामान्य मरीजों को आवश्यकता के अनुसार चश्मे और दवाइयां दी गई इस शिविर में शाम पांच बजे स्वास्थ्य मंत्री का नाम मुझे नहीं पता, भाई देखो खालिस्तान छोड़ देना तो ना
हाँ जो भी आप खारिज नंबर लेना प्लीज एड्रेस ठीक है खारिज नाम छोड़ देना। स्वास्थ्य मंत्री अरे लिखो इसी शिविर में क्या शाम 5 बजे ना श्याम 5 बजे स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जो भी है डेटा छोड़ देना और जो भर लेना फिर उसको खालिस्तान को है ना श्रीमान उपस्थित हुए ठीक है आगे लिखे वहां उपस्थित सभी मरीजों ने चिकित्सकों व स्वयंसेवकों को धन्यवाद दिया तथा मरीजों के परिवार वालों ने जैन समुदाय और भगवान को बार बार धन्यवाद दिया। ठीक है शिविर के अंत में स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र दिए गए तथा स्वास्थ्य मंत्री ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अगली बार अगली बार नेत्र जांच शिविर के आयोजन के बारे में सूचना दी अगली बार दोबारा फिर होगा यानी जो इस बार वंचित रह गए हैं वो क्या करें औरों को भी बोल दें क्या बोल लिखा मैंने अगली बार नेत्र जांच शिविर के बारे में या होने वाला कुछ लिखवाया होने सर आयोजन के बारे में सूचना दी ठीक है यह शिविर बहुत ही क्या रहा सफल रहा यह शिविर बहुत ही सफल रहा अब आप क्या करें आपकी मन की बड़ास निकाल लें समझे कैसे पूछ करके नेट मत पूछना ठीक है ना इस पहले की पूछना ये बात सुनने दो कहीं जो रुमाल वगैरह लेके आए हो या रुमाल नहीं लेके आए हो तुम्हें मुझे खराब कर दो वैसे सर जिनको मौसम है नीट एंड साफ होता है नीट एंड क्लीन अरे नीट यानी साफ और नीट के साथ में क्लीन सर जोड़ दिया कुछ साफ सुथरा ऑडिटोरियम
ऑडिटोरियम। अगर कोई स्पेलिंग मुझसे भी गलती हो जाए तो आप देख लिया करोगे है ना, कभी आप ऐसा लगे कि नहीं या बात भी गलत हो सकते, मैं मास्टर का कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि मैं मास्टर हूँ, पर ये अलग बात है कि मैं फिर भी एक दूसर क्या हूँ, इंसान भी हूँ, ठीक है ना, इंसान गलतियों का। हाँ क्या बोलती है, संकल्प, एक मिनट बात को बोला था, मन में बोल रही है, मुझे सुना रही है। अरे बोल पहले, बोल क्या है, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने क्या किया, एक संकल्प लिया, ऐसा है ना, प्यार टेक और वो वगैरह क्या, कितनी होती है इसको, शुभारंभ, गुड स्टार्टिंग लिखते हैं, सेंटेंस बहुत क्या है, तो ये कार्यक्रम का शुभारंभ, यहाँ तो स्टार्टिंग हो जाएगा, और शुभारंभ का मतलब ये है, शुभारंभ का क्या है, स्टार्टिंग, बोलो बोलो आप बोलो, हाँ जैन मंदिर की, जैन टेम्पल, वाह वाह, और बोलो, हाँ प्रतिष्ठित रेपुटेड, रेपुटेड रेपुटेड प्रतिष्ठित, अरे जैन को जैन बोलते हैं, तो सैनी को क्या बोलता है, अरे तू बोल, क्या होगा, पूरा वाक्य बोलो क्या है, में स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट, नहीं स्पीच अलग से भी लिख सकते हैं, और थॉट भी लिख सकते हैं, व्यूज कह सकते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, प्राचार्य, वाह बोल तो वास्तव में फिर लेवल कैसा पूछती है मुझसे, मतलब बोल ये दिखाना चाहती है वो वास्तव में भी क्या हूँ, 11 क्लास में हूँ, हाँ क्या होगा, सीटेड, सीटेड विराजमान, वैसे सीनियर उसको बैठा होता ना, सीटेड विराजमान थे, या फिर हम प्रेजेंटेड लिख देंगे, आगे बोलो, बोले बुरा मतमान होगा ना, बुरा मानने में क्या बिगड़ेगा, नगर दासी, हाँ केस मनी, पता है कोई क्या करेगा, क्लास में बैठना क्या करेगी, वो कल भूल रही बच्चा लगे एक चीज़ और तो काल साबुन छोड़ देगी, और चार की करेगी, अगर मान ले कभी कोमर वगैरह आए किसी ने बुलाया मेरे घर पर, ना तरी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना, और फिर अगर वो फिर चला गया तो क्या करेगी, ठंडे की बजाय गर्म पानी के आएगी, गर्मी तो आपको बस इस तरह कुछ नहीं करेगी, स्पेशलिस्ट एक, गो फॉर, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का कदम दे दिया, अच्छा अब ऐसे बोलना तुम, गो अहेड हो गया, ये आगे बढ़ना चाहिए, ये विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट, और ये स्पेशलिस्ट इष्ट, ईएसटी स्पेशलिस्ट, स्पेशल इष्ट स्पेशलिस्ट,
PhD हो भाई, क्या नाम है? मीना जी, इस पेज की PhD और बोलो जल्दी करो, कमरे में चांदना है, 12:13 हो रहा है, ये क्या टाइम पे हो गया? हां जान जा है लेकिन नहीं हो रहा है। अरे हां जा है लेकिन नहीं, वहां कुछ भी नहीं है। वेयर वेयर देयर वेयर नो गर्ल्स इज नथिंग देयर वेयर वो बाकी को सर दो ना। वेरी वीक है ना, आंखों वाली बात होगी ना, बहुत कमजोर, तो वेरी वीक बहुत बिल्कुल कम नहीं है, वेरी वीक। जवानों बुझो यार, एक एक बोल गया था स्वयं सेवक वॉलंटियर वॉलंटियर स्वयं सेवक बोलो, हाँ समुदाय सोसाइटी